करना चाहता हूं, परंतु अपनी कविताओं को बोलने से पूर्व मैं चार पंक्तियां इस सभागार को समर्पित करना चाहता हूं। आज की शाम कुछ खास है, आज की शाम कुछ खास है, क्योंकि हवाओं ने अपना रुख आज मोड़ लिया है। आज की शाम कुछ खास है, क्योंकि हवाओं ने अपना रुख आज मोड़ लिया है। मौसम ने भी आज करवट ली है, क्योंकि इस सभागार में कुछ आज खास हो रहा है। आज खड़ा है पूरा भारत, आज खड़ा है पूरा भारत इस सभागार के प्रांगण में, क्योंकि आज सम्मान है उनका जिन्हें भारत का नवीन इतिहास बनाना। मित्रों, मैं यहाँ पे उपस्थित हुआ हूँ इसलिए मैं अपने नौजवान मित्रों का जो जुनून है उसे एक नई दिशा देने का प्रयास कर सकूं। इसलिए मैं अपनी आगे की कविता पढ़ने से पूर्व मैं चार पंक्तियां अपने शिक्षकों के लिए समर्पित करना चाहता हूं, जिनके बिना तो मानव अस्तित्व ही नहीं है। अगर चकोर को चंदा से मुलाकात न होती, अगर चकोर को चंदा से मुलाकात न होती तो पपीहों को स्वाति के बिना प्यास नहीं मिलती। अगर चकोर को चंदा से मुलाकात न होती तो पपीहों को स्वाति के बिना प्यास न मिटती। हम देख ले जितने भी भले वो अंबर, हम देख ले जितने भी भले वो अंबर, हमारे ख्वाबों में सपनों की कभी मुलाकात न होती। चार पंक्तियां और शिक्षकों के लिए। हमारे सपनों को लगे हैं पंख, नालंदा विश्वविद्यालय में आने से काफी कुछ नया अनुभव मिल रहा। हमारे सपनों को लगे हैं पंख, हमें आकाश चाहिए। हमारे सपनों को लगे हैं पंख, हमें आकाश चाहिए। हमें चांद नहीं वो सूर्य का प्रकाश चाहिए। हमें चांद नहीं वो सूर्य का प्रकाश चाहिए। हम कर लेंगे सारी दूरी, हम कर लेंगे सारी दूरी बस एक क्षण में पूरी। हमें तो सिर्फ आप शिक्षकों का साथ चाहिए। जब मैं नालंदा विश्वविद्यालय में प्रथम बार प्रवेश किया तो सर्वप्रथम मैं तथागत छात्रावास में गया था, तो उस वक्त मेरे मन में काफी नए नए विचार उमड़ रहे थे। मैं उन अपने विचारों को कविता के माध्यम से आप लोगों के सामने प्रकट करना चाहता हूँ। हमारा जो तथागत छात्रावास है वो एक ऐसे जगह पे स्थित है जो कि गौतम बुद्ध से संबंधित पर्वतों से घिरा हुआ है। इसे सुनिएगा। गौतम बुद्ध के पावन तट पर, गौतम बुद्ध के पावन तट पर हो अज्ञान का पूर्ण विनाश। गौतम बुद्ध के पावन तट पर हो अज्ञान का पूर्ण विनाश, विश्व शिखर पर चमकेगा नालंदा का तथागत छात्रावास। गौतम बुद्ध के पावन तट पर हो अज्ञान का पूर्ण विनाश, विश्व शिखर पर चमकेगा नालंदा का तथागत छात्रावास। अंधियारों में रोशन करने, अंधियारों में रोशन करने ज्ञान का जहां हो विकास। मातृभूमि को गौरव करने छात्र ऐसा जहां करे प्रयास, नालंदा का तथागत छात्रावास। भव्य भवन, भव्य भवन हरित प्रांगण में, भव्य भवन हरित प्रांगण में बैठ तले नीला आकाश। विविध विषयों पे प्रखर होकर छात्र ऐसा जहां कड़े प्रयास, नालंदा का तथागत छात्रावास। नालंदा विश्वविद्यालय की गोद में, नालंदा विश्वविद्यालय की गोद में छात्रों का भव्य निवास। पूरा भारत जिस पर गर्व करे, नालंदा का तथागत छात्रावास। ये कविता पूरी तरीके से नालंदा विश्वविद्यालय के तथागत छात्रावास को मेरी तरफ से समर्पित है। अंत में अपनी काव्य पाठ को समाप्त करने से पूर्व मैं चार पंक्तियां अंग्रेजी में बोलना चाहूंगा, ताकि मेरे जिन मित्रों को मेरी हिंदी समझ में नहीं आई उन्हें मेरे पूरे काव्य पाठ का संक्षेप मिल सके। इन पंक्तियों के साथ मैं अपने सभी मित्रों का, सभी शिक्षकों का को आह्वान करना चाहता हूं कि लेट्स मेक द नेशन, लेट्स मेक द नेशन, कम ज्वाइन हैंड्स एंड लेट्स मेक द नेशन, लेट्स मेक द नेशन, लेट्स फ्लाई, लेट्स फ्लाई एंड रीच द स्काई, गो हाई एंड हाई एंड हाई, लेट्स फ्लाई एंड रीच द स्काई,
go high and high, let's make the nation. Let's promote the global culture. Let's promote the global culture. Let's follow Nalanda tradition. Let's promote the global culture. Let's follow Nalanda tradition. Make India a hub of education. Make India a hub of education. Let's bring knowledge revolution. Come, join hands and let's make the nation. Let's make the nation. दर्शकों से निवेदन करूंगा कि एक बार जोर से ताली